और अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बड़ी खबर का रुख करें, जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम 30 फोन नंबर की पड़ताल कर रही है। ये फोन नंबर हिंसा के आरोपी अंसार सोनू चिकना और एक नाबालिग आरोपी से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अंसार असलम और सोनू के भी घटना वाले दिन की लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। 30 फोन नंबर से जिनकी पड़ताल कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम, और ये जो 30 फोन नंबर है वो हिंसा के आरोपी अंसार सोनू चिकना और एक नाबालिग आरोपी से जुड़े हुए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में बहुत बड़ा खुलासा, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। क्राइम ब्रांच कर रही है 30 फोन नंबर्स की जांच पड़ताल। ये फोन नंबर जुड़े हुए हैं अंसार और सोनू चिकना के साथ साथ एक नाबालिग आरोपी से भी इन फोन नंबर्स का कनेक्शन है। हिंसा वाले दिन लोकेशन और कॉल डिटेल की पड़ताल की जा रही है, कहां इनकी लोकेशन थी, किन किन से उन्होंने फोन पर बात की। वरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, और क्या जानकारी? देखिए, पुलिस ने जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई थी वहां का जो डाटा, फोन नंबर का जो डाटा लिया था, उठाया था, उसमें करीब 5000 नंबर आए थे जिनको पुलिस स्क्रूटनी करते हुए अब 30 फोन नंबर तक पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक जो मेन इसमें कॉन्स्पिरेटर है अंसार, साथ ही सोनू चिकना जिसने गोली चलाई थी, और एक नाबालिग, ये तीनों आपस में लगातार संपर्क में थे उस दौरान। और करीब 30 फोन नंबर ऐसे हैं जिनके साथ वो लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो ये पूरी की पूरी साजिश रची थी, इसके साथ कई और लोग भी जो जुड़े हुए हैं वो इन 30 लोगों में से हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उस नंबरों पे कई बार इन्होंने फोन किया और पूरी की पूरी जानकारी ताजा की। तो पुलिस अब इन नंबरों के जरिए जो बाकी लोग हैं, जो आरोपी हैं, जो इनसे जुड़े हुए थे, उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर पुलिस करेगी। फिलहाल धन्यवाद वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।